स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं शोएब अहमद। दोस्तों राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती ये वीडियो आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बालोतरा के पचपदरा रोड पर बने शनिदेव मंदिर के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रिक्शा में सवार लड़की को जबरदस्ती उठाकर स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर भगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो आप साइट की स्क्रीन में देख सकते हैं। घटना शाम करीब 5 बजे की है जब पति पत्नी और उनका परिवार मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुलदीप नामक शख्स अपनी बीवी मंजू और घर वालों के साथ बालाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। रास्ते में पचपदरा रोड पर बने शनिदेव मंदिर के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उनकी टैक्सी को टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो में सवार 3 से 4 लोग बाहर निकले और मंजू को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लिया। लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर वो मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान स्कॉर्पियो सवारों ने कुलदीप और उसके घर वालों के साथ मारपीट भी की। घटना के तुरंत बाद कुलदीप और उसके परिवार वालों ने बालोतरा थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई। मामले की तह तक जाने के बाद पता चला कि कुलदीप और मंजू ने 11 नवंबर को आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। शादी के बाद 16 नवंबर को दोनों ने बालोतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्हें पुलिस और हाईकोर्ट से सुरक्षा भी मिली थी। दोस्तों आप सभी की इस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस खबर में बस इतना ही।